यहाँ पे 2018 खत्म हो चुका है, 2019 आ चुका है, तो 18 में लोग सोचते हैं कि 19 में हम कुछ पैसा बचाएंगे, वहीं पे कुछ कंपनीज ऐसा सोचते हैं कि 19 में हम कस्टमर से और पैसा लूटेंगे और पैसा कमाएंगे। मतलब ना यहाँ टक्कर जल्दी रहती है कस्टमर में और कंपनीज के बीच में कि कौन बचाएगा कौन कमाएगा। अब 2019 चालू हो गया और यहाँ पे शुरू हो गई है एयरटेल और वोडाफोन की नौटंकियां। आइडिया तो अभी वोडाफोन का बच्चा हो गया तो आइडिया तो गेम से बाहर है। तो यहाँ पे जो मेजर टेलीकॉम है इंडिया के, एयरटेल और वोडाफोन, इन दोनों ने अपनी सारी नौटंकियां शुरू कर है साल 2019 के स्टार्ट होते ही। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब, हाँ 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 देखो अब। अब ट्राई ने इन पर डंडा किया था कुछ टाइम पहले और आपको पता होगा कि ये कंपनीज जो है ये बिल्कुल बौखला गई थी और इन्होंने फिर अपना एक नया प्लान चालू किया था जो कि है मिनिमम रिचार्ज पॉलिसी का प्लान। अब इन कंपनीज का कहना है कि इनके पास ना इतने ज्यादा कस्टमर है कि संभाल नहीं पा रहे, तो जियो वाले कहते हैं यार हमें दे दो। हाँ, लेकिन यहाँ पे इन कंपनीज का कहना क्या है कि यार इनके पास इतना ज्यादा कस्टमर बेस होते हुए भी ये लोग लॉस में है, ये लोग जो अपना प्रॉफिट रेवेन्यू है वो नहीं निकाल पाते इन कस्टमर से, तो पैसा जाता कहाँ है, ये जाता कहाँ है ये समझ में नहीं आता। कंपनी चाहती है कि कस्टमर हर महीने कम से कम कुछ पैसा हमें दे। अब पहले जो है, पहले ऐसा था कि भाई आपको इनकमिंग कॉल जो थी वो फ्री थी, तो यहाँ पे लोगों ने एक सिम, दो सिम, तीन सिम, पांच पांच सिम रखी हुई थी क्योंकि पैसे तो लग नहीं रहते। लेकिन अब क्या है, अब कंपनी चाहती है कि भाई अगर आपके पास पांच सिम है तो पांचों सिम का मंथली जो मिनिमम बैलेंस है वो आपको हमें देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मिनिमम रिचार्ज पॉलिसी। अब देखिए अगर हम वोडाफोन एयरटेल के केस में, तो यहाँ पे कंपनी चाहती है कि मिनिमम 35 रुपए का आप रिचार्ज कराओ, 35 रुपीज का, तभी आप इनकमिंग कॉल ले पाओगे। आउटगोइंग की तो बात ही छोड़ दो, आउटगोइंग तो आप पैसा होगा तो करोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे, लेकिन इनकमिंग के लिए आपको मिनिमम 35 रुपए रखने पड़ेंगे। अभी ना ये वही बात होगी जबरदस्ती ना जेब से पैसे निकालने वाली बात होगी कि मैं दूंगा नहीं और बोलता मैं तो लेके ही रहूंगा। और यहाँ पे हाल ऐसे है ना भाई कि आजकल ना टेलीकॉम में तबाही ही तबाही मची हुई है। जियो ने आते ही ना ऐसी तबाही मचाई कि यहाँ पे ना सारे टेलीकॉम वाले बस एक ही गाना गाते हैं कि अल्लाह दुआई है, जियो ने मचाई तबाही है। अब तबाही से बाहर आने के लिए इन्होंने चिंदी वाली हरकतें शुरू कर दी है। अच्छा, इसमें क्या गेम खेला है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इनका कहना है कि अगर आप 35 रुपए का मिनिमम रिचार्ज कराते हो, मान लो आपने 1 तारीख को रिचार्ज कराया, तो अगले 28 दिन तक, मतलब एक बिल साइकिल तक आपको फ्री इनकमिंग मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आपके 28 दिन यहाँ पे पूरे होंगे आपके 35 रुपए भाई हो जाएंगे गायब, चाहे आप उन 35 रुपए को यूज करो या ना करो वो हो जाएंगे यहाँ पे खत्म। अब भाई यहाँ पे 28वें दिन के बाद ही अगले 15 दिन तक आपकी जो आउटगोइंग कॉल्स है वो कर दी जाएंगी बंद। इनकमिंग चालू रहेगी आपकी अगले 15 दिन तक, लेकिन आप कॉल कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे जब अगले 15 दिन भी पार कर लोगे आप, मतलब 28 + 15 दिन, इसके बाद क्या होगा, आपकी इनकमिंग कॉल भी बंद कर दी जाएगी। अब भैया ना तो आप कॉल कर सकते हो ना आप कॉल ले सकते हो, तो आपको करना क्या होगा, आपने इस सिचुएशन में एक ही काम करना, आपने सिम को ऐसा पकड़ना, फोन से निकालना, लाइटर ऑन करना और सिम को जला के ना उसके वीडियो बना के एयरटेल या वोडाफोन वालों को भेज देना। यहाँ पे इतनी अच्छी ट्रिक बताई मैंने आपको, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, मान लो आपने यहाँ पे 28 + 15 दिन वाला सिनेरियो जान लिया, अभी भी आपने रिचार्ज निकला, आप मतलब निहायत ढीठ हो, आपने बोला नहीं रिचार्ज तो कराऊंगा ही नहीं, इसके बाद ना आपको अगले 3 महीने का वैलिडिटी दिया जाएगा, एक्सटेंशन दिया जाएगा, जिसमें कंपनी आपको मौका देगी कि भाई 3 महीने तक आपके पास टाइम है, इस 3 महीने में आप दोबारा से कोई मिनिमम रिचार्ज करा लो। अगर आपने अगले उस 3 महीने में भी नहीं कराया, मतलब 28 दिन + 15 दिन + अगले 90 दिन, अगर इतने दिनों में भी आपने 1 रुपए का रिचार्ज नहीं कराया, तो यहाँ पे भैया कंपनी जो है आपका नंबर जो है वो कर देगी बंद। अब यार यहाँ पे ना दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी, जो लोग सिंगल सिम यूज करते हैं उनको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 30-35 रुपए का रिचार्ज तो करा ही लेते हैं, लेकिन वो लोग जो यहाँ पे 2-2, 3-3 सिम कार्ड और 2-2, 3-3 गर्लफ्रेंड या बीवियां मेंटेन करते हैं, उनके लिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब होगा क्या, अगर आपको 3 सिम एक्टिवेट करना है तो भैया आपको तीनों में रिचार्ज करना पड़ेगा, तो आप गर्लफ्रेंड को बोल दो टाटा बाय बाय, ये अब रिलेशनशिप हमें यही खत्म करना होगा। तो यहाँ पे यार दोस्तों आप इनके एप्स में जाके, एयरटेल वोडाफोन के एप्स में जाकर देख सकते हो कि मिनिमम रिचार्ज का प्लान क्या है। एयरटेल में 35 का है, वोडाफोन चाहता है कि 65 का हो, 35 का भी प्लान है उसके पास। और अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप कमेंट में करके बताओ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो है वो यही है कि आपको 28 दिन पहले मिलेंगे, फिर आपको 15 दिन मिलेंगे, फिर आपको 90 दिन मिलेंगे। 28 + 15 + 90, इतना टाइम अगर आपने क्रॉस कर लिया बिना किसी रिचार्ज के, तो आपका नंबर कर दिया जाएगा यहाँ पे भैया बंद। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा क्योंकि मैंने वीडियो के बीच में बता दिया था आपको। तो फिर आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में, सांस फूल जाती है जल्दी जल्दी बोलने में, तो चलो टाटा बाय बाय, सी यू सून।